बक्सर के खेल में हर फेज पर नए खेले जा रहे हैं खेल। आज की पांच चरणों की अगर हम बात कर ले, आज पांचवें चरण की वोटिंग चल रही है और आज की अगर हम बात कर ले तो आखिरी घंटा अब रह गया है। अब 30 मिनट बाद थम जाएगी वोटिंग। 14 सीट पर 144 प्रत्याशियों के किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है या हो रही है, क्योंकि वोटिंग अभी जारी है। शाम 6 बजे तक 14 सीट पर मतदान होगा। सिर्फ आधे घंटे का वक्त है, अगर अभी तक आपने वोट नहीं डाला है तो जल्द घर से निकलिए, लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दीजिए। पांचवा चरण बेहद ही खास है क्योंकि राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी जैसे दिग्गजों का चुनाव है ये। रायबरेली में राहुल गांधी की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो रही है और इस तरह पांचवें चरण तक 429 सीटों पर वोटिंग का आंकड़ा पहुंच जाएगा, यानी कि आज जब पांचवें चरण का मतदान संपन्न हो जाएगा अब से कुछ ही देर बाद, तब पूरे देश में 429 सीटों पर वोटिंग कंप्लीट हो चुकी होगी और इसी आंकड़े के बाद बीजेपी के मिशन 400 पार का विश्लेषण भी शुरू हो जाएगा। आगे हम समझेंगे कि पांच चरण पूरे होने तक कौन रण जीत रहा है, इस विश्लेषण को समझेंगे। लेकिन उससे पहले वोटिंग की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो आज हाईलाइट में रही, जो आज चर्चा में रही हैं। लोकसभा के रण में अब तक हुए पांच चरण के चुनाव में 429 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज वोटिंग हुई। पांचवें फेज में सबसे हॉट रही मायानगरी, जहां सलमान खान से लेकर आमिर खान तक, रणबीर तक और ऋतिक रोशन से अक्षय कुमार तक, मायानगरी के सैकड़ों सितारे अपने अपने बूथ पर मतदान को पहुंचे। फिल्मी सितारों के साथ क्रिकेट के सितारे भी मताधिकार के इस्तेमाल में पीछे नहीं रहे। पांचवें चरण में 7 राज्यों में मतदान शांतिपूर्ण रहा, जबकि बंगाल में बवाल पांचवें चरण में भी जारी रहा। हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी से टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए। बनगांव में भी पोलिंग बूथ के बाहर जबरदस्त हंगामा देखा गया, तो वहीं बैरकपुर में बीजेपी और टीएमसी समर्थक आमने सामने हो गए। इस गहमागहमी के बीच पांचवें चरण का मतदान बेहद निर्णायक है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि पांचवें चरण के मतदान के साथ ही वो बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी लिख कर देने को तैयार है कि बीजेपी हार रही है और सरकार में इंडिया गठबंधन आ रही है। 4 चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। लिख लो, आप सारे के सारे लिख लो, जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। लोकतंत्र में सियासी दलों को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो अपने अपने दावे जनता के सामने रखें, लेकिन किसके दावे में दम है और किसके दावे में भ्रम, इसका जवाब 4 जून को मिलेगा। तो पांचवें चरण में तमाम दिग्गजों ने अपना वोट डाला है। लखनऊ में राजनाथ सिंह ने, अमेठी में स्मृति ईरानी ने, तो मायावती ने लखनऊ में वोट कास्ट किया और इसी तरह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे वोट डालने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह उन्होंने भी वोट कास्ट किया, करण भूषण यहां से कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उन्होंने भी मतदान किया, आदित्य सिंह ने रायबरेली में वोट कास्ट किया। तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। पांचवें चरण में मायानगरी मुंबई में भी वोटिंग जारी है, लिहाजा यहां भी फिल्मी सितारे वोट करते नजर आए और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पांच चरण पूरे, किसके सपने रह गए अधूरे? चरण 429 सीट, मिशन 400 के कितने करीब बीजेपी?
संपूर्ण विश्लेषण। 24 के चक्रव्यूह का पांचवा द्वार भी बंद हो गया है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। एक तरफ दांव है मिशन 400 पार, क्योंकि 429 सीटों की वोटिंग ईवीएम में कैद है, जबकि दूसरी तरफ है विपक्ष के सामने खुद का विपक्ष का तमगा बचाए रखने की परीक्षा। सवाल ये है कि पांचवें चरण के बाद कहानी किस करवट जा रही है। पांचवें चरण के तहत लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो आज 9 केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर लगी होगी। रायबरेली से कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी की किस्मत भी आज ईवीएम में बंद होगी। वहीं पूरे देश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पांचवें चरण के तहत 40 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी 19 सीटों पर अपनी किस्मत को आजमा रही है। 5 साल पहले 65% सीटें वो जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस महज एक सीट पर ही सिमट गई थी। 2019 में इन 49 सीटों में से बीजेपी 32, शिवसेना संयुक्त 9, टीएमसी 4 और बीजेडी 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस सिर्फ रायबरेली सीट ही जीत सकी थी। इसके अलावा जेडीयू ने 1, एलजेपी ने 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 सीट जीती। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 41 सीट जीतने में कामयाब रहा था, जबकि यूपीए महज 2 सीटों में सिमट गया था और अन्य को 5 सीटें मिली थी। इस लिहाज से पांचवें चरण में बीजेपी अगर रिकॉर्ड कायम रखती है तो रिकॉर्ड जीत होगी, लेकिन अगर हार होती है तो बीजेपी की साख पर ये सबसे बड़ा बट्टा होने वाला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में से 2024 का चुनाव अलग है। यूपी में सपा और कांग्रेस मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है, तो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी दो दो धड़ों में बटी हुई हैं। शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार इस बार बीजेपी खेमे के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसी तरह बिहार में भी नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए के साथ है, तो लेफ्ट और आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जो समीकरणों में बड़ा फेरबदल है। पिछले चुनाव में इसमें एक सीट छोड़ के बाकी सभी सीटें भाजपा के पक्ष में गई थी, और वो जो एक सीट रायबरेली की थी वो एक परंपरागत तौर पर कांग्रेस की एक सीट रही है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो अचानक आने वाले बदलाव जो कि किसी भी आधार पर, जाति या क्षेत्र के आधार पर होते हैं, वो इन क्षेत्रों में नहीं दिखते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चरण की 14 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आश्वस्त है शुरू से ही, कि इसमें एक सीट छोड़कर पिछली बार उन्हें सब मिले थी और इस बार भी उनको उम्मीद है कि ये सारे परिणाम उनके पक्ष में जाएंगे। बीजेपी पिछले चुनाव में इन 49 सीटों में से 40 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जबकि कांग्रेस ने 36 सीटों पर किस्मत आजमाई थी। 2019 की तरह बीजेपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस पिछली बार से आधी 19 सीट पर किस्मत आजमा रही है। सपा पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि 2019 में बीएसपी के साथ गठबंधन था। बसपा यूपी और बिहार की सभी सीटों पर चुनाव मैदान में है, जो कईयों का खेला बिगाड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर वोटिंग वाली सीटों का आंकड़ा 400 पार पहुंचाने का है। कहने का मतलब ये है कि अब देश भर की 429 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अगर करिश्मा हुआ तो पांचवें चरण में ही बीजेपी का प्रण पूरा हो चुका होगा। हालांकि 400 पार वाली कहानी का सच 4 जून के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो उम्मीद है कि 5 चरण तक वोटिंग की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, और अब सिर्फ 5वें चरण की कहानी को समझते हैं, यानी कि 5वें चरण में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ी थी 2019 में, और कितने पर इस बार लड़ रही है, और क्या स्थिति तब रही थी और इस बार क्या हालात दिख रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं 2019 की, कितनी सीट पर लड़ाई हुई थी, कौन कितना जीता था।
2024 में कितनी सीटों पर दो प्रमुख दलों ने मुकाबला संभाल रखा है। सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं। 2019 में इन 49 सीट में से 40 सीट पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, 32 पर जीत हासिल की थी। 2024 में भी बीजेपी उतनी ही सीटों पर लड़ रही है, यानी कि पांचवें चरण में 40 सीट पर ही बीजेपी लड़ रही है और बाकी की जो 9 सीट है सहयोगी दलों के पास है। कितनी सीट जीतेगी ये 4 जून को पता चल जाएगा। कांग्रेस की बात कर ली जाए, कांग्रेस ने 2019 में 36 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से सिर्फ एक सीट रायबरेली की कांग्रेस जीत पाई थी। लेकिन इस बार 2024 में 49 में से सिर्फ 19 सीट पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, यानी कि 2019 के मुकाबले 2024 में आधी सीट पर पहले ही पांचवें चरण में ही चुनाव कांग्रेस लड़ रही है। कुल मिलाकर आधी लड़ाई तो पार्टी ऐसे ही हार गई है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि बाकी जो आधी सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस शायद वहां ज्यादा ताकत के साथ और ज्यादा एनर्जी के साथ लड़ रही हो। रही बात नतीजों की, तो 4 जून को नतीजे साफ हो जाएंगे कि किसे कितने वोट मिले हैं और कितनी सीट पर कब्जा किस पार्टी ने जमाया है। 2019 में पांचवें चरण में यूपी में जो वोटिंग हुई थी उसकी स्थिति क्या थी और उसके मुकाबले 2024 की वोटिंग कहां टिकती है इसकी भी बात कर लेते हैं। कितनी कम कितनी ज्यादा आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर आंकड़ों के जरिए। ये देखिए, अमेठी की बात की जाए 2024 में अभी तक 45.13% वोटिंग हुई है, जबकि 54.05% मतदान 2019 में यहां पर हुआ था। बांदा में 48% से ज्यादा मतदान हुआ था 2019 में, यानी कि यहां पर भी वोट परसेंटेज में कमी देखने को मिल रही है। जालौन की बात कर ली जाए, जालौन में भी कुछ यही हाल है, 51.08% मतदान, वहीं 62% से ज्यादा वोटिंग हुई थी 2019 में और लगभग यही स्थिति बाकी की सीटों पर भी है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अश्विनी मिश्रा झांसी से, रामगोपाल द्विवेदी कैसरगंज से, ऋषभ मणि त्रिपाठी अमेठी से, सर्वेश दुबे कौशाम्बी से, अमित गंजू जालौन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबके पास चलते हैं और हालात जानते हैं। अश्विनी मिश्रा, झांसी में क्या हालात हैं, क्योंकि अब मतदान को समाप्त होने में, पांचवें फेज की वोटिंग को कंप्लीट होने में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, कुछ मिनटों का ही वक्त रह गया है। देखिए, सुबह 7 बजे झांसी ललितपुर लोकसभा सीट के लिए मतदान शुरू हुआ था। इसके बाद 5 बजते जो मतदान का जो प्रतिशत है वो 61% तक पहुंच गया है। ये काफ़ी अच्छी जो मतदान पोलिंग मानी जाएगी, सुबह से ही जो शुरू हुआ था 61% का जो प्रतिशत मतदान अब तक हुआ है, तो अब कुल मिलाकर के आधे घंटे का समय और बचा है, तो कहीं ना कहीं 2-3% जो है वो बढ़ोतरी की बात सामने आ सकती है मतदान प्रतिशत में। शानदार जो मतदान जो लोगों ने किया है, जिस तरीके से गर्मी थी, हवा चल रही थी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मतदाताओं का जो जोश था वो उत्साह था देखते बना, बढ़ चढ़कर लोगों ने गर्मी को पीछे छोड़ते हुए मतदान किया, अपने मत का प्रयोग किया। इसी का नतीजा था कि शाम को 5 बजे तक जो मतदान प्रतिशत था वह 61% कुछ होकर के रह गया। झांसी में संतोषजनक वोटिंग हुई है, ये आप कह रहे हैं। रामगोपाल द्विवेदी कैसरगंज से हमारे साथ है, कैसरगंज पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। रामगोपाल, यहाँ पर वोट परसेंटेज, लोगों का उत्साह कैसा दिखा? हमने ब्रजभूषण शरण सिंह को देखा जब उन्होंने वोट कास्ट किया और उसके बाद उन्होंने निशान दिखाते हुए, उनके बेटे ने भी मतदान किया, आम लोगों में किस तरह का उत्साह दिखा? बिल्कुल, जब इस वक्त मैं कैसरगंज जिस लोकसभा सीट पे खड़ा हूँ, ये ग्रामीण क्षेत्र की लोकसभा सीट है। इसकी जो पांचों विधानसभाएं हैं ये पांचों ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की हैं, और इस वक्त तरबगंज के एक पोलिंग बूथ पे खड़ा हूँ और आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं और अब कुल 20 मिनट का ही वक्त बाकी रह गया है। 20 मिनट के बाद जो है, अगर यहाँ पे मतदाता नहीं आएंगे तो उनको फिर एंट्री नहीं मिलेगी। अगर हम कैसरगंज की बात करें तो कैसरगंज में जो है अभी तक करीब 54% मतदान हो चुका है और ये 54% मतदान, ये माना जा रहा है कि अभी अगले 1 घंटे में जो मतदान हुआ होगा उसका रिजल्ट मिला के कुल 57% से 58% ये मतदान जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट डिवीजन पास होने के लिए 60% की जरूरत होती है उतना नहीं मिला है। होता हुआ नहीं दिख रहा, इसकी वजह मौसम है या इसकी वजह लोगों की सोच है कि परिणाम को लेकर कहीं किसी फैसले किसी नतीजे तक तो नहीं पहुंचे लोग, जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत ऐसा, ये देखने वाली बात होगी। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ अमेठी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, आप किस पोलिंग बूथ पर है, क्या वहां पर लोगों की कतार दिख रही है या वहां भी सन्नाटा हो चुका है? जी
कंक्लूडिंग पार्ट है, 5:42 हो रहा है, बस 15-16 मिनट मुश्किल से बचे हुए हैं। तो पुलिस ने भी अपनी जिम्मेदारी दिखानी शुरू कर दी है और ये पूरी तैयारी की जा रही। मीडिया से भी कहा गया है कि इस बूथ का जो मेन गेट है वहां से बाहर निकल जाए, चूंकि 6 बजते ही जो इस गेट के अंदर प्रवेश कर लेगा उसको पर्ची दे दी जाएगी, वही वोट डाल पाएगा। अगर परसेंटेज की बात कर ले, अभी तक करीब 52% हो चुकी है वोटिंग, 5 बजे जो फिगर आई थी, और पिछली बार जो 54% 2019 में था उससे ऊपर निकल सकती है, 1-2% ऐसा माना जा रहा है। बाकी अगर अमेठी लोकसभा की बात कर ले, हमारे सहयोगी पप्पू पांडे साथ में है, कई बूथ पे आज गए, ये बेहतर बता पाएंगे कि पप्पू आज कैसा नजारा रहा ओवरऑल अमेठी लोकसभा पर। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से 2019 में अमेठी में मुकाबला देखने को मिला था कमोबेश, वैसी स्थिति अमेठी में इस बार भी देखने को मिली है। हर बूथ पर कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव मजबूती के साथ लड़ा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है। टक्कर बताई जा रही है कि सीट पर ठीक ठाक टक्कर होगी। वहीं मार्जिन की बात करें तो अमेठी विधानसभा जो यहाँ की एक विधानसभा है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ती हुई जरूर नजर आई है। लौटेंगे आप सभी के पास इस वक्त, बड़ी खबर, एक बार नजर डालते हैं कि शाम 5 बजे तक वोट परसेंटेज की क्या स्थिति है। यूपी में अब तक 55.80% मतदान हुआ है, अमेठी में 52.68% वोटिंग हुई है, तो बाराबंकी में 64.38% मतदान हुआ, जालौन में 53.73% वोटिंग हुई, तो लखनऊ में 49.48% मतदान, कैसरगंज में 53.92% मतदान, तो बांदा में 64.38% वोटिंग हुई है अभी तक, झांसी में 61.18% मतदान और रायबरेली में सबसे ज्यादा 56.26% मतदान। रायबरेली से भी ज्यादा फैजाबाद में वोटिंग का उत्साह वहां दिखा है, 57.36% मतदान फैजाबाद में, तो फतेहपुर में 54.56% वोटिंग हुई है, गोंडा में 50.21% मतदान अब तक हुआ है, तो हमीरपुर की बात कर ली जाए तो यहां 57.83% वोटिंग हुई है, कौशाम्बी में 50.65% मतदान, मोहनलालगंज में 60.10% वोटिंग हुई है। अमित गंजू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जालौन से जुड़े हुए हैं। अमित, आप कहां पर है, वहां का उत्साह लोगों का क्या, किन मुद्दों पर लोगों ने वोट कास्ट किया है, अगर आपके आसपास कोई हो तो उनसे बात भी करें। जी मैं बताना चाहूंगा, कुछ युवा यहां है जो वोट कास्ट करके आए, आइए आप इधर आ जाइए प्लीज, जो वोट डाल के आए प्लीज इधर आए। देखिए पहले तो मैं दिखाना चाहूंगा कि पुलिस अब हरकत में आ गई, कि मात्र 14 मिनट रहे, क्योंकि सुबह 7 बजे से ये भी अपनी ड्यूटी में मुस्तैद थे और अभी तक देखिए लोगों का आने का। आप वोट डालने जा रहे हैं? डाल चुके। आइए इधर, किस किस लोगों ने वोट डाला इधर आइए। सर पहले सियाही दिखाई अपनी, देखिए गर्मी में अभी भी 43 डिग्री टेम्परेचर है लेकिन जोश कहीं से कम नहीं है। सारे लोग जो सियाही दिखा रहे हैं इस बात का प्रमाण है, इस बात के सर्टिफिकेट है कि इनके दिल में, इनके जहन में ये बात थी कि अपना वोट कास्ट करना है। गर्मी को इन्होंने पीछे कर दिया क्योंकि जिस तरह आज पूरा 46-47 डिग्री था, अभी तक लगातार लोग वोट कास्ट करके निकले। सर यहाँ के क्या मुख्य मुद्दे थे? ये यहाँ ये देखकर खुशी मिल रही है कि कम से कम इतने सारे लोग इस वक्त दिख तो रहे नहीं, तो ज्यादातर जगहों पर तो सन्नाटा देखने को मिल रहा है। सर्वेश दुबे कौशाम्बी से हमारे साथ है, सर्वेश वहां की स्थिति भी दिखाएं जरा। देखिए कौशाम्बी सुरक्षित लोकसभा सीट है और इस वक्त हम मैं मौजूद हूँ सिराथू के जानकीपुर यहाँ पर बूथ पर। यहाँ पर जो मतदान हुआ है यहाँ पर करीब 58% मतदान इस बूथ पर हुआ है, लेकिन अगर हम जिले की बात करें तो 5 बजे तक 50.65% का मतदान हुआ है, और अगर हम आंकड़े की बात करें तो अब 10 से 15 मिनट का जो समय बचा है 6 बजे तक मतदान पूरा हो जाएगा और उसके बाद करीब 7 बजे तक जब फाइनल आंकड़े जारी किए जाएंगे तो माना जा रहा है कि 55% तक हो सकता है कि यहाँ पर मतदान हो। तो तमाम जो मतदाता है अभी भी वोट देने आ रहे हैं, लेकिन आज गर्मी बहुत थी, करीब 45 डिग्री तक यहां पर टेम्परेचर था जिसकी वजह से मतदान दोपहर में धीमा रहा। हालांकि शुरू में लंबी लाइनें बूथों पर देखी गई और इसके साथ ही साथ यहां पर तमाम लोगों ने निकलकर मतदान किया, दोपहर में भीड़ कम थी। तापमान पर सर जरूर ओवरऑल वोटिंग पर देखने को मिला है, लेकिन ये भी कह रहे हैं जानकार कि मतदान घटने और बढ़ने से ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किसके फेवर में या किसके अगेंस्ट में वोटिंग हुई है।